हेलो एवरीवन, मैं हूँ संजना और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फिर से एक नई रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाएंगे साबूदाने के मोदक। साबूदाने के मोदक बनाने के लिए हमने एक कटोरी में छोटी कटोरी हमने साबूदाना लिया है, थोड़ी सी चीनी ली है, थोड़ी सी घी ली है और थोड़ा सा दूध लिया है। साबूदाने को मिक्सी जार में डालेंगे, इसको पीस लेंगे। साबूदाना हमारा रेडी हो चुका है पीस करके। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें घी ऐड करेंगे। पहले से हमने घी ऐड कर दिया है, जो साबूदाना हमने पीस के रखा था ना उसको ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड कर दिया साबूदाना को और इसको चलाते हुए भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक, अच्छे से भून लेंगे। और साबूदाना हमारा बारीक होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं हमने कैसे पीसा है इसको, ऐसे ही आपको भी पीसना है। और जब इसमें सोनी सोनी खुशबू आने लगे तब हम इसको उतार लेंगे। धीमी आंच पे हमें साबूदाने को भूनना है, तेज आंच पे नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा और फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बराबर चलाते हुए हम इसको भूनेंगे और जब इसमें खुशबू आने लगेगी सोने सोने पर तब हम इसको उतार लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम कैसे भून रहे हैं, आपको भी ऐसे ही भूनना है। साबूदाने के मोदक जो होते हैं ना बहुत टेस्टी लगते हैं, तो प्लीज़ एक बार बनाइएगा मेरे तरीके से। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होने लगा है पहले से। दो मिनट और इसको हम भून लेते हैं ऐसे ही। तो हमारा साबूदाना रेडी हो चुका है भून करके। तो अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। दूध आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा। तो ऐड कर दिया है, अब इसको पलटे से चला लेते हैं और आंच को हम कम कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया इसका। 3 मिनट तक हम धीमी आंच पर पकाएंगे। अब इसमें हम पानी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, आप चाहें तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अब मोदक के मिश्रण को हम अच्छे से पका लेंगे, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हम पकाएंगे इसको, ताकि इसका जो पानी है सूख जाए। तो हमारा ये मिश्रण तैयार हो चुका है मोदक का, आप देख सकते हैं वो कितना अच्छा बना हुआ है। इसमें अच्छा से उबाल आने भी लगा है। तो इसको 2 मिनट और हम ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मिश्रण को अच्छे से हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो अभी मोदक का मिश्रण रेडी हो चुका है बनाने के लिए, आप देख सकते हैं। तो चलिए एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं और कुछ देर इसको ठंडा होने देंगे। तो हमने एक प्लेट में निकाल लिया है, इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे हम, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो अब ये ठंडा हो चुका है, तो चलिए दोनों हथेलियों से हम ऐसे गोल करते हुए दबाते हुए इसे हम मोदक का शेप देंगे। आप चाहें तो सांचे से भी बना सकते हैं, हम तो हाथ से बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना है। उंगलियों से घुमाते हुए हम इसको मोदक का शेप देंगे। आप देख सकते हैं हम कैसे कर रहे हैं इसको। आप चाहें तो सांचे से भी बना सकते हैं। तो हमारे ये मोदक बन के रेडी हो चुका है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।